नमस्कार, सुरमई टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में जीत के आसार के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में टेका माथा। पुजारियों ने करवाई प्रियंका से विधिवत पूजा अर्चना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ बनी लिंडा याकारिनो, अगले हफ्ते संभालेंगी ट्विटर की कमान, एलन मस्क ने किया ऐलान। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ में जश्न। सीएम भूपेश बघेल बोले, बजरंग बली अब कांग्रेस के साथ। जम्मू कश्मीर के बारामूला उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन शुरू। जयपुर बम धमाकों की 15वीं बरसी पर बीजेपी हर वार्ड में करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। शहर में आज जगह जगह पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। सीबीआई के नए चीफ के चयन के लिए कल होगी उच्च स्तरीय बैठक, रेस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा। उदयपुर में प्रेमी प्रेमिका को जिंदगी भर की जेल, खिचड़ी में नशीली दवा डालकर ली थी पति की जान। मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम के खतरे को देखते हुए बीएसएनएल ने बंद किए 3.25 लाख से ज्यादा मोबाइल, पॉइंट ऑफ सेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। देश में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 1223 नए केस आए सामने। सक्रिय मामले 18,000 से घटकर 16,498 हुए। मौसम साफ होते ही चार धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, एक दिन में 48,000 किए दर्शन, आंकड़ा 7,27,000 के पार। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।